students can you hear me? Kindly join me on this um, online lecture and inshallah. After 4 minutes inshallah we will start the lecture. will be marked at the end of the lecture so when we are left with last 10 minutes you can mention your roll number so it can be recorded okay, students, i think it's almost 12, so let's start the second part of our lecture of chronic heart failure, um, which comprises of uh, lab findings, predisposing factors, and pharmacotherapy. so as we were discussing previously, that uh, for chronic heart failure cases uh, we have to determine uh, because it's the failure of the heart to pump enough blood into the blood vessels so the only way to um, uh, to calculate the strength of the heart or the uh, extent of heart failure is the uh, ejection fraction measurement इट्स मोर और लेस लाइक सेम एज देट ऑफ दी ओ पी डी के जिस तरह केस में हम लोग uh, जो है वो लंग्स की कैपेसिटी को डिटरमिन करते हैं इजेक्शन वॉल्यूम से इसी तरह से हम लोग इसमें एजेक्शन फ्रैक्शन के कितना वॉल्यूम एक कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट जो है वो पंप करता है इनटू थ्रू द ब्लड वेसल्स तो हार्ट की अगर हंड्रेड स्ट्रेंथ होगी तो वो मैक्सीम वॉलीम को पम्प करेगा इन टू द्लड वेसल और अगर उसकी वैल्यू जो उसकी उसका पोर्शन ऑफ द हार्ट जो है वो डेड हो गया है उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है तो ऑब्वियसली उसकी जो इजेक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन महेमे डिफ्रेंशिएट्स सिस्टोलिक फ्रॉम द डायस्टोलिक फेलियर जिसके लिए हम लेफ्ट वेंटिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन की टर्म यूज करते हैं जो कि परसेंटेज में आ, जो है इंडिकेट होती है तो इको कार्डियोग्राफी कपल विद डोपलर इको कार्डियोग्राम डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द चॉइस फॉर मयरिंग इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है ई सी जी इको कार्डियोग्राफी जो है वो इट इज यूज फॉर द मयरमेंट ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन के एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना वॉल्यूम ब्लड का जो है वो पंप होता है इन टू द ब्लड वेसल्स दिस विजुलाइज एंड मैय दी वेंट्रिकुलर वॉल थिकनेस चेम्बर साइज वॉलर फंक्शन एंड पेरी कार्डियल थिकनेस तो ये जो इकोकार्डियोग्रामी जो है वह हम लोग मैयर कर सकते हैं जो हार्ट uh, के वॉल्स की थिकनेस एक चेम्बर की uh, कितनी कैपेसिटी है या कितना उसका साइज़ है ओब्वियसली आपको मैंने बताया था कि हार्ट फेलियर में जो चेम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं हाइपरट्रॉफी की वजह से तो इकोकार्डियोग्राफी uh, जो है वो हमें डिटरमिन करने में हेल्प आउट करेगी कि कहीं हार्ट का जो वॉल्यूम uh, है या साइज है वो इंक्रीज तो नहीं हुआ तो इसके जो रिजल्ट्स हैं, दे आर ग्रेडेड एज नॉर्मल मॉडरेटली और सीवियरली डिप्रेस पीछे हमने जो स्टेजिंग की आ, क्राइटेरिया भी पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने इजेक्शन फ्रैक्शन का भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है तो वो हमें बताता है कि किस एक्सटेंट तक जो है वो हार्ट फेलियर पेशेंट में हुआ है फिर कार्डियो बगैली और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी और पर्मोरिक इंजेक्शन इन तीनों चीजों को करने के लिए चेस्ट रेडियोग्राफ किया जाता है और ई की जाती है चेस्ट रेडियोग्राफ जो है वो आ, हमें जो है वो हार्ट का साइज और पलमोर uh, कंजेशन uh, के बारे में इंडिकेट करता है इसके अलावा uh, कुछ केसेस में लेवल ऑफ़ ऑफेटिक एंजाइम्स को भी डिटर्मन क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जी जो लिवर है उस पर हार्ट फेलियर का असर पड़ता है जिसकी वजह से लीवर की जो मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और लिवर uh, जो है वो डैमेज की वजह से uh, उसके जो एंजाइम्स हैं वो एलिवेट कर जाते हैं अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं कौन से पेशेंट जो हैं दे आर एट द पीपल हु आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दी हार्ट फेलियर उनमें एज है कि ओल्डर एज पेशेंट्स एज ऑलवेज दे आर मोर प्राउन टू डेवेलपिंग सच डिजीज डिसऑर्डर हाइपर टेंशन के पेशेंट्स दे आर ऑलवेज एट द थ्रेट ऑफ डेवलपिंग डिवेलपिंग हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स सर्टन ड्रग्स हैं या क्रॉनिक यूज ऑफ सर्टन ड्रग्स जैसे कि एनसेड्स हैं जो कि पेशेंट्स यूज करते हैं वो एज में के पेशेंट यूज करते हैं या पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली आइब तो आइब जो है वो ओवरलोड सोडियम ओवरलोड की वजह से जो है वो प्रेशर uh, जो है इनहेंस करेगा और इट विल मेक पेशेंट मोर प्राउंड टू डेवलपिंग हार्ट फेलियर इसके अलावा वो कहते हैं कि जी एनसेड इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम अप अपू फिफ्टी परसेंट इन सम इंडिविजुअल्स ठीक है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको ये इंक्रीज कर देता है एनसेड uh, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ए इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑल ऑल्दो इट एंटीफ्लेट्री प्रॉपर्टीज्रोफिन और एसिटोमाइनोफिन जो है वो दोनों ड्रग्स जो हैं यूज होती हैं बट आइब्रोफिन और अदर पेन किलर्स दे आर मोर एंटी इन्फ्लेमेटरी एज कम्पेयर टू एसिटोमाइनोफिन एसिटोमाइनोफिन इज मोर ऑफ एंटीपायोटिक ड्रग जो कि फीवर को कंट्रोल करती है लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इसकी लो एंटीफरी एफक्टिविटी के बावजूद वो पेशेंट्स जो कि प्रॉन है क्रॉनिक हार्ट फेलियर के उनके लिए जो है वो सूटेबल एज कम्पेयर टू आईवी फिर आ, 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 आई वी फॉर्मुलेशन आपने आई वी एडमिक्स के बारे में आप लोग शायद अभी पढ़ रहे होंगे या आगे पढ़ेंगे क्योंकि कुछ ड्रग्स हैं इंजेक्टेबल इन्फ्यूजन जिनको आ, जो है वो नॉर्मल सिलाइन या आई वी फ्स करके दिया जाता है ताकि पेशेंट में जो है वो इन्फ्यूजन रेट को मेंटेन किया जाए कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको स्लो एंड फ्यूजन रेट पे देना जरूरी होता है ताकि वो अपनी टॉक्सिटी डेवलप ना करें तो उसके लिए आई वी फॉर्मलेन यूज होती हैं उनमें सोडियम क्लोराइड है विच इज ऑफन यूज एज एन फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा uh, जो पेरेंट्रल पेरेंट्रलिक्स हैं आगे आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि के, के साथ जो किया जाता है ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो उनकी फार्मिकोकटिक्स है उसको सुटेबल बनाया जा सके जैसे कुछ ड्रग्स के साथ जो है वो सोडियम अटैच किया जाता है जैसे कि नेफिसिन है टिकार्सिलीन है तो वो जो सोडियम कंटेंट है ड्रग्स का एक्चुअली एन एक्सीपिय बट इट कैन आल्सो कॉज क्योंकि हम लोग मोस्ट केसेस पे एक्सीपिय को नजरअंदाज कर देते हैं हैंडियंट तो uh, किसी ड्रग के एक्सिपिएंट में सोडियम कंटेंट है तो उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो uh, प्रॉन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दी सीह फिर ड्रग इंड्यूस्ड में uh, प्रोपेनालॉल बीटा ब्लॉकर्स दे डिक्रीज दी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्लो दी हार्ट रेट तो ये एक्सेसिव वेट कर सकता है हार्ट फेलियर को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंटीरिदमिक्स और एम्फेटामाइन कोकेन एंड एंथ्रासाइक्न दीज ड्रग्स कैन ऑल्सो एग्रोवेट हार्ट फेलियर सर्टन एंटीबायोटिक्स जो है इसके अलावा मिनरलोटिकॉइड सोडियम रिटेंशन सर्टन ड्रग्स आप एग्रोवेट और एक्सेसरबेड ऑफ पेशेंट डेवेल हार्ट फेलियर नाउ कमिंग टू अनादर इम्पोर्टेंट सेक्शन और विच इज मोर रेलिवेंट टू द फार्मासिस्ट विच इज द फार्मेकोथेरेपी तो आपने सबसे पहले अपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है उसकी स्टेज को डिटर्मन करना है हार्ट फेलियर की uh, उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को डिटर्मन करना है उसमें रूल आउट करना है कि कौन कौन सी उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री में फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट माइड बी प्रॉन टू डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर पेशेंट की कंप्लाइंस चेक करनी है वेदर पेशेंट इज कंप्लाइंट टू हाइपरटेंसिव ड्रग्स और उसका ब्लड प्रेशर वाइटल्स की असेसमेंट करनी है और उसके बाद जो है वो हम लोग डिटर्मन करते हैं कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए इसके अलावा हार्ट फेलियर में आपने पीछे कुछ फॉर्म्स ऑफ हार्ट फेलियर पढ़े थे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर वर्सेस राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर फिर अपर लो वर्सेस हाई हार्ट फेलियर तो उन केसेस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो थोड़ी वेरी करती हैं डिपेंडिंग uh, ऑन के पेशेंट में किस किस्म का हार्ट फेलियर है जैसे कि पल्मोनरी एडीमा और पीडल uh, एडीमा uh, या पेरिफेरल एडीमा में जो डायबिटिक्स की चॉइस है वो थोड़ी सी वेरी करती है ठीक है तो एक केस में आपको पता है कि एडीमा होता है और दूसरे केस में पेरिफेरल एडीमा होता है तो आपको पेशेंट की असेसमेंट लाजमी करनी है बिफोर जम्पिंग टू दी टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट यू वॉन्ट टू गिव टू योर पेशेंट्स बट मोर और लेस जो है ड्रग्स रिपीटड हैं कि जो कि यूज होती हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर में जिनमें डायरेटिक्स हैं क्योंकि पेशेंट में होता है वॉलीम बढ़ वॉल्यूम बढ़ने बढ़ने का मतलब ये है कि हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है और ऑलरेडी वीक होने के बावजूद हार्ट को जो है वो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है टू तो पम्प द ब्लड ए जिनके वेजो इफेक्ट अफेक्ट होते हैं ताकि ये पेरफ्रल ब्लड रेजिस्टेंस को रिड्यूस uh, कर सकें uh, इसके अलावा बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स एंड डिजिटेलिस जिसमें डायजॉक्सिन है जो कि आपने पढ़ा होगा कि इट इज ए ड्रग इट स्ट्रेंथेंस दी हार्ट मसल्स फॉर द कॉन्ट्रेक्शन फॉर प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट ठीक है तो इसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हम देते हैं के लिए जिसमें डोपामीन है जिस डोप्यूटामीन है, है जो कि स्मुलेट करती हैं प्रेक्टिटी को, को हाइड्रेलाजीन है जो कि रिलैक्स करती है पेरिफल ब्लड वेसल्स को अच्छा मैंने आप पीछे नॉलेज के आ, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है इट कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन दी पेरिफ्री ठीक है तो जब कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी आ, पेरिफ्री के ब्लड वेसल्स की जिसकी वजह से जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वेसल्स ठीक है रास्ता जब ल्यूमन जो है वो ब्लड वेसल्स का तंग हो गया है और ब्लड वॉल्यूम ऑन द अदर हैंड बढ़ गया है तो आप, आप तो हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि वो ए, हार्ट खुद भी वीक है उसका पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया उसमें एडीमा भी हो गया है और इसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है तो इस केस में जो आ, हार्ट है वो टोटली नाकाम हो जाएगा सफिशेंट ब्लड को पंप करने के लिए इन टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ़र्ज करें कि खुदा न खासा वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है इन लिम्स तो लिम्स तक जो ब्लड है उसका पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा और उस वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं मसल्स हैं जो जिनको ब्लड रिक्वॉय फॉर द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिशन तो वो सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी तो uh, हमें जो है uh, ऐसी ड्रग्स रिक्वायर्ड uh, हैं जो कि रिलैक्स करती हैं पेरफुल ब्लड वेसल ताकि ब्लड जो है वो ईजिली uh, जो है वो पम्प हो सके। सर्टन ड्रग्स विच अफेक्ट कार्डिक रिमॉडलिंग प्रोसेस सच एस एसर्स बीटा रिसेप्टर्स एंड एनजेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स अच्छा इसके लिए जो गाइडलाइन है वो एंड uh, में भी मैंने आपको मेंशन किया है लास्ट स्लाइड्स में अगर आप जाएं यू विल सी तीन से चार गाइडलाइंस हैं इनमें से एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक है हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ अमेरिका गाइडलाइंस फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन टास्क फोर्स ऑन प्रैक्टिस गाइडलाइंस ये uh, जो है सबसे दो मेन जो है वो गाइडलाइंस हैं फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर तो ठीक है तो नेक्स्ट uh, स्लाइड्स में गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वॉट यू एक्चुअली वांट इन योर पेशेंट्स एज आई टोल्ड यू कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट की असेसमेंट करते हैं आफ्टर दैट यू गो फॉर के व्हाट गोल्स यू वांट टू अचीव इन योर पेशेंट के आप पेशेंट में एंड रिजल्ट या आउटकम्स क्या चाहते हैं तो इस केस में कंट्रोल मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको जैसे मैंने बताया था कि कुछ केसेस में आ, जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो बढ़ जाती है जबकि ब्लड सप्लाई उतनी ही रहती है जैसे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताया था तो आप जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज कर रही हैं और मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ा रही हैं बॉडी की उनको कैटर करेंगे जैसे हाइपरथडिज्म का पेशेंट है तो उसकी जो हाइपरथायराइडिज्म है उसको कंट्रोल पहले करेंगे Uh, फिर रिमूव दी अंडरलाइन कॉज जैसे आपको बताया था कि जी इट्स अ सिंड्रोम क्रॉनिक हार्ट फेलियर इट्स सिर्फ डिजीज नहीं इट्स अ सिंड्रोम दैट इज रिजल्ट ऑफ मैनी प्राइमरी डिसऑर्डर्स जो के विच रिजल्ट इन टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर तो हम जो अंडरलाइन कॉज है सबसे पहले उसको केयर करेंगे फॉर इंस्टेंस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन देंगे पेशेंट में एडिमा हो रहा है तो उसके एडिमा को कवर करेंगे इसके अलावा को, कोई पेशेंट जो ले रहा है जिसकी वजह से उसका हार्ट फेलियर जो है वो होने के उसमें चांसेस हैं या हुआ है तो हम उन ड्रग्स को रिमूव करेंगे उसकी थेरेपी से फिर मॉडिफाई रिस्क फैक्टर जैसे हाइपरटेंशन है डायबिटीज स्मोकिंग अल्कोहल और लिसिड ड्रग यूज ठीक है तो हम पेशेंट की सोशल हिस्ट्री से उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री से मेडिकल हिस्ट्री से फाइंड करेंगे रिस्क फैक्टर्स और उनको रिमूव करेंगे रिलीफ दी सिम्टम्स जैसे कि एडिमा के बारे में मैंने आपको बताया था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में बताया था तो हम लोग जो है वो उसकी जो आ, उसकी जो सिम्टम्स उनको रिलीव करेंगे इम्प्रूव फंक्शन हम मतलब उसको एसिड ड्रग्स देंगे हम उसको ऐसी ड्रग देंगे जो कि उसके हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करे और उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की जो उसको इम्प्रूव करे रिड्यूसिंग फ्लू वॉल्यूम डिमर को रिड्यूस करेंगे टू एबॉलिश डिसेबलिंग सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स जो पेशेंट को टोटली uh, मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी डेली रूटीन ऑफ लाइफ से हट कर हॉस्पिटलाइज्ड हो उसको रिमूव करेंगे को रिमूव करेंगे सच एरिदमिया की इसकी वजह से जो कॉम्प्लीकेशन डेवलप हो रही हैं अवाइडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ द थेरेपी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी थेरेपी सेफ हो ताकि जो पेशेंट है उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप ना हो एंड पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है अब हम ड्रग्स की तरफ आते हैं वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे ये क्या रोल प्ले करती हैं क्या डोज होनी चाहिए Uh, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाइडलाइंस आपको मेन क्लास ऑफ ड्रग बताएंगी लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगी कि कौन सी ड्रग देनी है कितनी डोज में देनी है उसके लिए आपको कंपेरेटिव स्टडीज़ को uh, जो है वो सही करना पड़ता है वो जो कम्पेटिव स्टडीज़ हैं वो आपकी बुक्स में भी अवेलेबल हैं ट्रायल्स के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं वहाँ पे डोज भी लिखी होती है टेबल्स पे तो उसके लिए आपको जो डोजेज और ड्यूरेशन uh, या कंप्लीट जो डोजेज जो है जो मैंने वो आपने वहाँ से फाइंड करना है ठीक है तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रग में एस इनिबिटर्स यूज हैं तो एस इनिबिटर्स रिड्यूस सिम्टम्स इंप्रूव पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटस इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस डेथ अच्छा डेथ के चांसेस या मोर्टेलिटी रेट के चांसेस को असेस करना जरूरी है पेशेंट में और हमारा मेन क्रिटिकल पेशेंट के लिए जो एम होता है वो ये होता है कि उसको हम डेथ से हर सूरत आ, जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं या क्रिटिकल केयर यूनिट में जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा प्रॉन होते हैं फिटी के लिए तो उनमें हम लोग जो है सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि उनको दोबारा से उनकी जो हेल्थ स्टेटस उसको रिवाइव किया जाए और उनको डाई होने से या उनकी डेथ होने से उनको बचा, बचाया जा सके वो तो स्टडीज कहती हैं कि वो पेशेंट जिनमें ए सीप्यूटर्स दिए जाते है, तो हैं तो उनमें चांसेस ऑफ डेथ जो है बहुत कम एस इनिबीटर्स रिड्यूस टोटल पेरिफ्रम रेजिस्टेंस रिड्यूस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर ठीक है एक तरफ वो वेजो कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं ब्लड वेसल्स में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन उसको कम करते हैं अदर हैंड वो जो ब्लड का वॉल्यूडियम uh, कम करते हैं बाय रिड्यूसिंग दोडियम रिटेंशन एंड वॉटर रिटेंशन ठीक है कहते हैं एस इन्यूबिटर्स आर फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड दे शुड भी यूज कॉन्ट्राइंड ठीक है uh, अगर पेशेंट में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा उसके अलावा हर केस में गाइडलाइंस कहती हैं ए सीबिटर्स को देना चाहिए दे आर रिकमेंडेड टू भीशन विद बीट्रा एड इनर्जिक ब्लॉकर्स एंड डायोरेटिक एसिनिबिटर्स प्लस डायरेटिक्स इन पेशेंट विद करिएटेड एंड फॉलोड बाई ग्रेजुअल इनक्रीमेंट ऑफ डोज एक तो वो कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में दें विद डायरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स दूसरा वो कह रहे हैं कि हर पेशेंट में एस इनिबीटर दें अनलेस इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बट वो कह रहे हैं कि इनिशियली आप लो डोज में दें फिर आहिस्ता आहिस्ता डोज को इंक्रीज करें

ठीक है ए आर बी एंड कंसिडर्ड एज एन एड ऑन थेरेपी इन पेशेंट हु कंटिन्यू टू बी सिम्प्टोमेटिक जस्ट लाइक एसिनपिटर्स इनको भी कहते हैं कि जी कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ दिया जाए एफ डी एज ओनली प्रूफ्ड कैंडिसाटिन एंड वलसार्टिन फॉर द ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर ठीक है आ गई ये स्टडी है चाम ट्रायल जिसने uh, जो है वो कैंडिसाटिन के लिए जिसका एविडेंस है फिर बीटा एडवी एनर्जी ब्लॉकेज एजेंट्स जो है वो दे डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं या क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें हमारा मेन गोल ये होता है कि पेशेंट कम से कम हॉस्पिटलाइज हो क्योंकि आपको पता है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है तो हम फॉर होल लाइफ पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रखते सिर्फ पेशेंट जब क्रिटिकल कंडीशन में होता है तभी उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है तो हम ऐसी मेडिकेशन डिजाइन करते हैं जो पेशेंट घर लेके भी बैठ के भी मेडिकेशन यूज uh, करता रहे और उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल रहे और उसको हॉस्पिटल ना आना पड़े ठीक है uh, तो गाइडलाइंस रिकमेंड द यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन ऑल पेशेंट्स विद स्टेबल हार्ट फेलियर ठीक है तो गाइडलाइंस आर रिकमेंडिंग बीटा ब्लॉकर्स फॉर ऑल पेशेंट विद हार्ट फेलियर अनलेस दे हैव कॉन्ट्राइडिकेशन ठीक है बीटा ब्लॉकर्स शुड बी यूज इन कंजक्शन विद एंड एंजियोटेंसिन एसिन ब्लॉक ठीक है तो uh, आपने देखा कि तीन या चार ड्रग्स का कॉम्बिनेशन वो रिकमेंड हर पेशेंट में शुड बी इनिशिएटेड विद लो डोज एंड टाइटरेटेड अपवर्ड स्लोली एज टॉलरेटेड पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर साइंस ऑफ रिटेंशन अच्छा uh, इसमें भी जो है वो रिटेंशन का ख्याल रखना चाहिए शुड नॉट बी यूज इन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अच्छा ऐसा कोई केस जहाँ पे पेशेंट जो एक्यूट क्रॉनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन के साथ आया है गाइडलेंस सजेस्ट करती हैं कि उन पेशेंट्स में इनको फॉरन बीटा ब्लॉकर्स को स्टॉप ना किया जाए मोर फेवरेबल फेवरेबल मेटोप्रोलोल बिसोप्रोलोल कार्बेडिल और एने जो है वो एक्सटेंडेड रिलीज मेटोप्रोलोल सक्सिन को जो है वो रिकमेंड uh,

और पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ जाना शुरू हो गया है तो उस केस में डायरेटिक्स को स्टॉप कर दिया जाए जैसे पेशेंट अगर डायरिया भी डेवलप कर चुका है तो उसमें डिहाइड्रेशन होगी और उसके साथ साथ जो है वो उसमें डायरेटिक्स भी दे रहे हैं तो सिवियरली पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है दे आर बेस्ट डायरेटिक्स आर बेस्ट यूज इन कंजक्शन विद एसिनिपिटर्स एनजोटें रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड बीटा एडर्जी ब्लॉकर्स ठीक है तो यहां पे भी डायरेटिक्स को दो ड्रग्स के साथ मेनली एस या रिसोप्टर ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ दिया जाता है इसमें भी डोज जो है वो स्लो टाइट्रेशन की जाती थे थे तो है अपवर्ड टू मिनिमाइज दी हाइपोटेंशन डोज डायरेटिक्स की दे देंगे तो पेशेंट माइट डेवलप हाइपोटेंशन ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ दुड फिरोसमाइड Uh, और टॉर्सीमाइड जो है वो ड्रग्स हैं जो कि प्रेफर डायोरेटिक्स हैं फिरोसीमाइड इज द रैपिड एक्टिंग आईवी एजेंट इन द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी एडिमा में आईवी डोज दी जाती है फिर, फिरोसीमाइड uh, इसके अलावा स्पाइनल टोन जो है अवॉइड द इंसिडेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया ठीक है कुछ डायोरेटिक्स में आपको पता है देयर इज चांसेस ऑफ uh, पोटाशियम डिप्लीशन तो अगर आ, उस अगर आपको यह खतरा है कि पेशेंट में हाइपोकलीमिया डेवलप देव, हो सकता है उस केस स्पायरोनल एक्टोल जो है वो बेहतर जो है ठीक है uh, in flow, uh, जितनी भी हार्ट फेलियर की ड्रग्स हैं दे आर रिकमेंडेड टू बी यूज इन कॉम्बिनेशन ठीक है इसके अलावा जिनमें हार्ट फेलियर रीनल फेलियर की टेंडेंसी है या डेवलप हुआ हुआ है तो उसमें भी जो है वो डायबिटिक्स आर कॉन्ट्रेंडिकेटेड वेट लॉस एक्सटी वन केजी एडीमा। अच्छा, एडीमा के जी पर डे इज टू बी एवॉडेड एक्सेप्ट इन पेशेंट्स विद एक्यूट पलमरी एडिमा अच्छा एडिमा के केस में क्या होता है कि पेशेंट का जो वेट है वो स्लाइटली बढ़ जाता है क्योंकि वॉल्यूम जो फ्लूड्स है उसकी एक्यूमिलेशन होना शुरू होती है इन थ्रू बॉडी तो जो पेशेंट डाय Side, उसमें जो फ्लूड uh, है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है आउटसाइड तो उसकी वजह से वेट लॉस होता है ठीक है तो आपने पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि एक दिन में uh, उसका जो वेट है वो वन के से ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए अदर इट इज अदरवाइज इट इज डेंजरस ठीक है तो मतलब पेशेंट एक आइडीमा डेवलप कर रहा है और उसको आपने डायरेटिक्स दिया है तो एटली वन डे में उसका मैक्सिमम जो वेट लॉस है फ्लूड लॉस है वो इतना होना चाहिए कि उसका बॉडी वेट जो है वो सिर्फ वन के ही लूज हो होड लूज देयर इफेक्टिवनेस इवन वेन क्रिएटिन इन क्लियरेंस डिक्रीज टू लेस देन थर्टी टू फिफ्टी एम पर मिनट मैंने आपको पहले बताया था कि जी ये कॉन्ट्रंडिकेटेड है उन पेशेंट्स में जो कि रिनल फेलियर के होते हैं तो रिनल फेलियर को डिटर्मन करने के लिए हम लोग पेशेंट की क्रेटिनिन क्लियरेंस देखते हैं और सीरम क्रेटिनिन देखते हैं ठीक है क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा फॉल कर गया है यानी कि उसका लिवर किडनी का फंक्शन बहुत ज्यादा खराब हो गया है और लेस देन थर्टी टू तो फिफ्टी एम पर मिनट उसका क्रेटिन क्लियरेंस हो गया है तो उन पेशेंट्स में आपने थाइर डायबिक्स नहीं देने ठीक है वो पेशेंट्स जिनमें क्रेटिन क्लियरेंस जो लेस देन मिनट है उसमें जो है ल्यूब डायरेटिक्स मजीद फाइव एम लूप पर इफेक्टिव नहीं है अगर पेशेंट का क्रेटिनिक क्लियरेंस थर्टी टू फिफ्टी एम पर मिनट है ठीक है और ल्यूब डायरेटिक्स तब तक इफेक्टिव तो है जब तक पेशेंट का क्रेटिन क्लियरेंस लेस देन 5 एम पर मिनट है ठीक है यानी Uh, जो लूप डायरेटिक्स हैं वो uh, बहुत दा किडनी इम्पेयरमेंट uh, में भी इफेक्टिव हैं लेकिन एक सर्टन लिमिट तक इन मोस्ट पेशेंट विद हार्ट फेलियर लूप डाइयुरेटिक्स आर प्रेफर्ड फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं दे आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर ठीक है बिकॉज़ दे आर नोन टू बी डॉक्यूमेंटेड डोंट टू बी एक्सेसर बेटिंग दी चांसेज ऑफ दी हार्ट फेलियर ठीक है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो आ, उनको थर्ड लेवल पर रखा गया है फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ हार्ट फेलियर एस इनबिटर सबसे पहले नंबर पर हैं फिर एनजियोटेंसन रिसेप्ट ब्लॉकर्स और अगर फिर कोई ऑप्शन ना रहे मजबूरी के तहत आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरफ जा सकते हैं अदरवाइज अगर दो पहले दो ऑप्शन जो है पेशेंट टॉयलेट कर लेते हैं तो आप कभी भी उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ना दें फिर डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड जैसे आपको बताया है कि इन पेशेंट में जो हार्ट के मसल्स हैं दे बिकम वीक तो उन पेशेंट्स को हम डाइजॉक्सिन देते हैं ताकि उनकी हार्ट की कॉन्ट्रक्टली मजबूत हो हार्ट के मसल्स स्ट्रेंथन हो और उन पेशेंट्स में जो हार्ट की पंपिंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो सके लेकिन डिजिटल डाइजॉक्सिन जो है वो इट इज इफेक्टिव एज ए शॉर्ट टर्म थेरेपी लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग रन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डाइजॉक्सिन थेरेपी इज़ डिस्करेज बिकॉज ऑफ द चांसेज ऑफ पेशेंट डेवलपिंग दी एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी डायजॉक्सिन के बारे में एक और बात मैं बता दूँ कि डायजॉक्सिन इज ए वेरी नैरो थेरेपिटिक विंडो ड्रग और इसका जो थेरेपिटिक विंडो है वो बहुत नैरो है जिसकी वजह से इसके जो लेबल है उसमें पॉइंस की स्लाइटली भी आप डोज बहुत कम भी डोज बढ़ाएं तो पेशेंट में टॉक्सिक अफेक्ट आने के ज्यादा चांस होते हैं और दिस इज ए हाईली इंपोर्टेंट ड्रग

वन एम से भी कम है पॉइंट टू फाइव एम जी उसकी डोज में एक दफा वंस डेली डाइजोक्सिन uh, टॉक्सिसिटी इज वेरी कॉमन अक्रेंस बिकॉज ऑफ नैरो दैरोपेटिक विंडो आगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे uh, ड्रग मॉनिटरिंग हम लोग थेरोप्य ड्रग मॉनिटरिंग उन ड्रग्स की करते हैं जिनका नैरो थेरोपेटिक विंडो होता है उनकी ब्लड के अंदर कंसेंट्रेशन कितनी अचीव हुई है बायिटी कितनी आई है आफ्टर द ड्रग दब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिसम और फिर उससे हम डिटर्मन करते हैं कि पेशेंट ड्रग जो है वो सेफ और इफेक्टिव रेंज में है कंसट्रेशन उसकी ब्लड के अंदर के नहीं है अभी खैर अभी आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखो कि इस ड्रग की ड्रग मॉनिटरिंग होती है डायजॉक्सन हैज बेनिफिशियल इफेक्ट्स बाय रिड्यूसिंग सिम्फेटिक टूकून एंड स्टूमलेटिंग पैरा सिम्पथेटिक रिस्पॉन्स ठीक है बेनिफिट्स ऑफ डाइजॉक्सिन कैन बी ऑबेन बाय यूजिंग स्मॉलर देन ट्रेडिशनल डोज ठीक है तो स्मॉलेस्ट डोज से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट इसके अलावा हायर कंस्ट्रेशन से ऑफ सीरम कंस्ट्रेशन से अगर ब्लड में डाइजॉक्सिन की कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो उसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं और कार्डिक इरिटेबिलिटी हो सकती है और इवन हार्ट फेलियर को भी ये एक्सेसरबेट कर सकता है अच्छा फिर वो कहता है डायजॉक्सिन इज बेनिफिशियल इन पेशेंट्स एट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर स्टेज सी और डी जो है वो एक्सट्रीमली सीवियर लेवल ऑफ हार्ट तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि डायजॉक्सिन जो है वो सी और डी uh, लेवल uh, पे स्टेज हार्ट फेलियर में इफेक्टिव है ठीक है इसके बाद एल्डोस्टेरॉन एंटेगोनिस्ट जिसमें पोटासियम स्टेरियम स्पेरिंग डायरेटिस आते हैं जिसमें स्पायरोनल एक्ट्रॉन के बारे में बताया था uh, जो है एग्जिस्ट अ वेरी माइल्ड माइल्डिक uh, स्पायरोनल बोथ ब्रिड्यूस मोटिडिटी मोर्टिलिटी इन पेशेंट विथ सिवियर हार्ट फेलियर ठीक है फिर एक स्टडी है रेनमाइज एवल्यूशन स्टडी जो कहती है कि रिडक्शन इन एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस वेस्कुलर डैमेज एंड माइकॉर्डियल और वेस्कुलर फाइब्रोसिस तो स्पायरोनल इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्डोस्टेर का मैंने आपको बताया कि एल्डोस्टेर सिस्टम एक्टिवेट होता है उन पेशेंट्स में जिनमें हार्ट फेलियर हो तो एल्डोस्टेर की जो है वो आ, उसको ये एंटेगनाइज करता है एल्डोस्टेर के और जिसकी वजह से एल्डोस्टेर की वजह से जो इंड्यूस वेस्कुलर डैमेज होता है उसको ये रिड्यूस करता है अच्छा फिर अदर वेजो डायलेटर एजेंट्स जिसमें हाइड्राइल है नाइट्रेट्स हैं और हाइड्रोलिन और नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स में आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन है जो कि आप, आप हार्ट फेलियर के पे पेशेंट्स या एंजाइना के पेशेंट्स के पास डॉक्टर के ये कहते हैं कि हर वक्त जो है वो नाइटोगन की टेबलेट्स होनी चाहिए तो हाइड्रोलिन जो है विच इज इज अपोर्टेंट आट्टीरियल डायलेटिंग एजेंट्स जो आर्टरीज हैं उनको आ, जो है हाइड्रालाजी जो है वो डायलेट करता है और जिसकी वजह से जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो उसको रिड्यूस करता है नाइट्रेट्स जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन है आइसोसोबाइड मोनोनाइट्रेट है दे हैव हैविनोस डाइलेटिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंजक्शन अच्छा हाइड्रेलोजीन जो है वो आ, क्या कहते हैं आर्टरीज को डायलेट करता है जबकि जो नाइट्रोगलेसरिन या नाइट्रेट्स हैं वो वेन्स को डायलेट करता है तो दोनों जो है वो अपनी डायलेशन की वजह से रिलीफ करती हैं हार्ट फेलियर को कॉम्बिनेशन दीज टू एजेंट्स हैव एडिटिव बेनिफिट्स इन ऑफ हार्ट फेलियर ठीक है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोलजिन कम विद आइस बाय डाय स्टैंडर्ड हार्ट फेलियर थेरेपी विद ए और बी डॉक्कर शोड एडेड बेनिफिट तो ये जो स्टडी है ए हैव ट्रायल, ये कह रही है कि जी कॉम्बिनेशन अगर आप देंगे नाइट्रेट्स का हाइड्रेलोजीन का ए सीनीटर्स का बीटा ब्लॉकर्स का तो ये पेशेंट्स में हाईली बेनिफिशियल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर इसके अलावा एफ डी ए हैज ए प्रूव द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोल एंड आइस डायनेट्रेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एज एन एडज टू दिथ स्टैंडर्ड हार्ट फेलियर थेरेपी स्टैंडर्ड हार्ट थेरेपी वही है एसिनिपिटर्स बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स लेकिन एफ डी ए ने उसके साथ साथ एडिशन के तौर पर अप्रूव किया है हाइड्रेलोजिन को और आइसोसोरबाइ डायट्रेट को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दियर ठीक है नीचे गाइडलाइंस ने भी इसको रिकमेंड किया है फिर अदर आइनोटॉपिक एजेंट्स में डोपिन है बोथ आर सिंपेथोमाइमेटिक्स एंड यूज इन एकजेंसीज ड्योबामीन uh, और डोबिटामीन को हमेशा याद रखें उनको एक्यूट केसेस में दिया जाता है उनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाता स्पेशली वो पेशेंट जो जिनमें थ्रेट हो ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक या पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप कर चुका हो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जी ब्लड की जब पंपिंग कम हो जाती है ब्लड हार्ट जो है अपनी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाता जिसकी वजह से ब्लड की पंपिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है और इवेंचुअली पेशेंट शॉक की स्टेज चला जाता है शॉक uh, में ये होता है कि हाइपो वॉल्यूम क्या कहते हैं हाइपोटेंशन हो जाती है ब्लड प्रेशर पेशेंट का इंतहाई फॉल कर जाता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपना कॉन्शियसनेस भी लूज uh, कर जाता है तो उस केस में हम जो है वो डोपमिन uh, और डोपिटामिन सिंपेटोमामेटिक्स देते हैं लॉन्ग टर्म ओवर थेरेपी विद दिस दिस एजेंट्स हैज नॉट बीन ए ठीक है तो इनको सिर्फ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए अच्छा अब हमने जो पीछे पढ़ा था स्टेजेस के बारे में ए uh, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक चार स्टेजेस uh, में डिवाइडेड है हार्ट फेलियर तो स्टेज वाइज हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं स्टेज ए में वो कहते है uh, हैं कि खाली एबिटर्स दें और या फिर एंजूटें ब्लॉकर्स या फिर एस इनबिटर्स उन पेशेंट्स में जो के आ, आ, जो है वो सिम्टम्स जिनके रिलीव नहीं हो रहे बाय सिंगल थेरेपी ठीक है लेकिन उसको कहते हैं कि एविडेंस इज नॉट एज स्ट्रॉग इसके अलावा वो कहते हैं कि है जी अदर मैनेजमेंट क्या स्टेज ए में एनकरेज करें पेशेंट को फॉर द स्मोकिंग सिजेशन पेशेंट का लिपिड डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करें पेशेंट को कन्विंस करें एजुकेट करें फॉर दी रेगुलर एक्सरसाइज और कंट्रोल करें पेशेंट का मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक है स्टेज बी में वो कहते हैं कि ड्रग्स कौन कौन सी देनी चाहिए एसीबिटर्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स ठीक है लेकिन वो पेशेंट जो एसिडिटर्स को टॉलेट नहीं कर सकते उनमें आप स्विच कर सकते हैं टू दूटेंसन रिसेप्टर

और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोल एंड नाइट्रेट आप देख रहे हैं कि जू जू हैं तो जो जू स्टेज बढ़ती जा रही है तो नंबर ऑफ ड्रग्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सिवेटी ऑफ द डिजीज बढ़ती जा रही है तो स्टेज सी में उन्होंने एसन डायबेटिक्स हाइड्रल नाइट्रेट्स ये सब ऐड किए हैं इसके अलावा वो कहते हैं कि जी पेशेंट को रिकमेंड करें सॉल्ट so, रिस्ट्रिक्शन uh, कि वो अपनी डाइट में सॉल्ट की जो इंटेक उसको रिड्यूस करें फिर स्टेज डी है विच इज़ दी मोस्ट के स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर जिसमें कहते कि कंसडेशन इज गिवन फॉर ट्रांसप्लांटेशन एंड कंटिन्यूस आई विनफ्यूजन ऑफि पॉजिटिव आयोड्रॉपिक एजेंट स्टेज डी में थेरेपीज या मेडिकेशन काम नहीं करती पेशेंट जो है वो इतनी सीवियर स्टेज ऑफ हार्ट फेयर में चला गया होता है कि उसको सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्ले प्लान की तरफ रिकमेंड किया uh, करना ही तो आपने अपने पेशेंट में अगर आपका पेशेंट स्टेज ए में है तो आपने थेरेपी ऐसे डिजाइन करनी है कि वो नेक्स्ट स्टेज में ना जाए ठीक है उसकी डिजीज प्रोग्रेस ना हो और वो नेक्स्ट स्टेज में ना जाए फिर ये वही पॉइंट्स हैं नॉन स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें अल्कोहल इंटेक को कम करे एक्सरसाइज करे डाइट में सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करे फिज़िकल एक्टिविटी रखे Uh, इसके अलावा उसकी जो डिजीज है जिसकी वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर डेवलप कर सकता है उसकी जो मेडिकेशन है आप पेशेंट को कन्विंस करें कि वो कंप्लायंस के साथ एडहेरेंस के साथ लेता रहे फिर आप देखो कि uh, मैंने आपको बताया था कि आप अपने पेशेंट में ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग पैरामीटर सेट करते हैं कि आप वो बेस पे आप डिटर्मन कर सकें कि आपकी थेरेपी पेशेंट में फा, फायदा दे रही है या नहीं दे रही है ठीक है तो इस में आपका पहले तो आपने घोषित सेट किए फिर उनको मॉनिटर करने के लिए आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं उसमें आप पेशेंट के सिम्टम्स डेली देखते हैं पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स देखते हैं पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उससे आपको पता चलता है कि आपकी थेरेपी फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है तो आपने पेशेंट का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेली uh, करना है कि पेशेंट में आज जो ब्रीथिंग है वो इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है इम्प्रूव क्वालिटी पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर के पेशेंट में आपको पता है कि जी नाइट कफ नॉकल कफ रात को पेशेंट जो कफ की वजह से जो है वो सो नहीं पाता तो आपकी की वजह से जो है पेशेंट में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए और वो रात को आराम से सुकून से सो सके इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस के पेशेंट uh, आराम से जो एक कदम चल सके पैदल चल सके आ, और विदाउट ऑफ शॉर्टने वो उसमें छोटी मोटी वॉकिंग कर सके रिड्यूस एडिमा कि पेशेंट में एडिमा जो है वो रिड्यूस हो जाए वेट लॉस आपने ये वेट लॉस का पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट डायरेटिक्स के परस्पेक्ट से क्योंकि डायरेटिक्स जो है वो एडिमा एडिमा की वजह से पेशेंट को वेट जो है वो वेरी करता है ठीक है वेट की वजह से को जो वेट है वो कुछ केजी या कुछ ग्राम्स बढ़ सकता है और जब आप डायरेटिक्स देते हैं तो पेशेंट का जो वेट है वो दोबारा नॉर्मलाइज होता है लेकिन आप अगर एक्सेसिव डायरेटिक्स देंगे तो पेशेंट उल्टा डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा यानी कि उसमें फ्लूड वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा तो आपने ये देखना है कि कहीं आपका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस का शिकार तो नहीं हो रहा डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा फिर पेशेंट का हार्ट रेट डेली डिटर्मन करना है कि वो नॉर्मलाइज हो पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है कि वो नॉर्मल हो पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करना है कि वो वो नॉर्मल हो फिर हार्ट हार्ट का साइज ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ फेलियर में जो है वो मैंने आपको बताया था हार्ट शेप हो जाती है आ, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है जिसमें हार्ट जो है वो एनलार्ज हो जाता है तो आप आपने देखना है कि आपके पेशेंट का जो हार्ट है वो दोबारा नॉर्मल साइज में आना शुरू हुआ है कि नहीं फिर नेक वेन डिस्टेंशन डिक्रीज के यहाँ पे जो जो जगल वेन वो मतलब डिस्टेंडेड का मतलब ये है कि उभरी हुई नजर आती है मतलब होती है तो वो चेक करना है कि वो दोबारा से नॉर्मलाइज हुई है नहीं हुई है इसके अलावा इंजेक्शन एस थ्री हार्ट साउंड को डिटर्मन करना है तो ये मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं जो कि आपके हेल्प कर सकते हैं इन फाइंडिंग कि आपका पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट उसमें इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ अच्छा नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो एविडेंस हैं या ट्रायल्स हैं पेशेंट की डोजेज हैं ये मैंने आपको जो है वो कॉम्प्रीहरीबल्स बने हुए हैं जिसमें ड्रग्स की डोज लिखी हुई है तो आप जो है वो अपने आप पेशेंट के लिए सूटेबल समझते हैं आपने हर बच्चे ने अपनी थेरेपी खुद डिजाइन करनी है कि आप उस एक पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग्स देना चाहेंगे ठीक है इसके अलावा आपने उसकी फिर क्या करनी है कि डोज को मेमोराइज कर लें कि जैसे अगर स्पायरोनल एक्टोन देना चाहते हैं तो आप उसकी डोज को मेमोराइज कर लें लेकिन अगर आप फिरमाइड देना चाहते हैं तो उसकी डोज को देखें तो अब इसमें जो फिरोसिमाइड है इट इज़ मच लेस कॉस्टली ठीक है आईवी थेरेपी इज़ द प्रेफर्ड रूट इन हार्ट के पेशेंट्स इसकी जो डोज है विच इज़ ट्वेंटी टू फोर्टी एम जी ओरल और आई वी ठीक है ओडी वन स्टे ट्वेंटी फोर्टी एम जी डोज है आइदर ओरल और आई वी और टोटल डेली डोज मैक्सिमम डोज जो है वो पेशेंट की 160 सिक्सटी पर डे हो सकती है अच्छा इसमें मॉर्निंग डोज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डायरेटिक्स के बाद पेशेंट को बार बार यूरिन वॉशरूम जाना पड़ता है तो पेशेंट ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से आपने उसकी ट्रीटमेंट के हेल्प से उसकी जो स्लीप है उसको दोबारा से रिवाइव किया है कि पेशेंट रात को आराम से सोए तो अगर आपको तो वो रात को उसकी नींद में खल...

डायरेटिक्स uh, फिर ए सीनिबिटर्स हैं जिनमें एनालेप्रिल है रेमिप्रिल है कैप्टोप्रिल है आ, उनकी जो है वो स्टडीज दी हुई हैं उनकी डोजेस दी हुई हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में उनकी बेनिफिट्स दिए हुए हैं जैसे एनालेप्रिल सॉल्व uh, स्टडी है जो कि एनालेप्रिल की डोज तो में फाइव पर डे ठीक है इसके अलावा रेमिप्रिल के लिए जो है वो ए

कहते हैं तब की दो तो एफईकेसी है वो इक्वल है तो इसमें से कोई एक एएस इनहिबिटर ऑफ सेक्ट कर सकते हैं ऑल एएस इनहिबिटर्स कुड बी एडिस्टर्ड वन डेली कब ये है कि इनको आप सिर्फ दिन में एक खुराक पेशेंट को देनी पड़ती है कैप्रोप्रिल की जो डोज है 6.25 टू 10.5 एमजी एवरी एट आवर्स ठीक है फिर डाइऑक्सिन है उसमें स्टडी है रेडियस स्टडी और प्रूफ स्टडी uh, these studies establish a beneficial effect of digoxin even in those patients receiving concurrent ACE inhibitors. ठीक है तो ये studies कहती हैं कि patients में digoxin जो है वो heart failure के patients में beneficial है फिर uh, digoxin versus ACE comparison studies हैं डायजॉक्सिन ज्यादा बेहतर है हार्ट फेलियर में या आईसी रिपीटर्स ज्यादा बेहतर हैं। तो स्टडीज कहती हैं जी ए सीनीपीटर्स मे बी स्लाइटली मोर रैपिड इन ऑनसेट ऑफ इफेक्ट एंड एसोसिएटेड विद बेटर टॉलरेंस ऑफ द साइड इफेक्ट्स बट डायजॉक्सिन में प्रूफेक्शन फ्रैक्शन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट मतलब दोनों ड्रग्स का अपना अपना बेनिफिट है तो इसलिए रिकमेंड यह किया गया है कि दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाए डायजॉक्सिन और एसिनिपिटर्स को फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जिनमें कैंडिसाटिन है एप्रोसाइटिन है एरबिसटिन लुजार्टिन बेलजार्टिन इनकी नीचे की हुई नी हैं और उनके बेनिफिट्स हैं ये भी सारे जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इक्वली इफेक्टिव तो इसमें भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग के मुताबिक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के मुताबिक आप सूटेबल जो एनजी टेंटर ब्लॉकर्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे लोजाटिन है जिसमें एलिट स्टडी है फिर कैंडी साटिन है 60 एम पर डे रिजॉल्व स्टडी वेल है ठीक है तो ये डिफरेंट किस्म के ट्रायल्स हैं जिनको आप स्टेटमेंट छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं जि, जिसकी बेस पे आप अपने ट्रीटमेंट को सॉलिडिफाई कर सकते हैं एविडेंस बेस बना सकते हैं फिर बीटा ब्लॉकर्स में मैं पीछे भी आपको बताया था मेटोप्रोलोल एफ डी ए ने वो है वो आ, जो है वो मेटोप्रोलोल सक्सीनेट जो है रिकमेंड की है इन टू पर डे ठीक है एम डी सी स्टडी एक ट्रायल है जिसमें उन्होंने स्टडी का बेनिफिट ऑफ द मेटोप्रोलोल उन्होंने फाइंड किया कि मेटोप्रोलोल इज वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल इन हार्ट फेलियर इसके अलावा अदर ऑप्शन में बीसोप्रोलोल है और कार्वेडीलोल तो इन तीनों से जो आप आपको बीटा ब्रोकर सुटेबल लगते हैं आप ये जरूर देखें कि पाकिस्तान में कौन कौन सी की अवेलेबिलिटी है और उसके मुताबिक आप अपना रिकमेंडेशन डिजाइन करें जैसे कार्बेडिलोल पाकिस्तान में अवेलेबल है बीसोप्रोलोल भी अवेलेबल है और मेटोप्रोलोल भी अवेलेबल है लेकिन इन तीनों की कॉस्ट में वेरिएशन हो सकती है फिर uh, अच्छा लास्ट टू स्लाइड्स में डायजॉक्सिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था क्योंकि डायजॉक्सिन इज ए ड्रग विद नैरो विंडो तो ये ड्रग जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ दी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स के ठीक है तो अंडरस्टैंड इस, तो करना बहुत जरूरी है इसमें आप लोग बस ये माइंड में रखें कि इसकी थर्माबायोटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिकमेंडेड होती है इसकी जो ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन कितनी अचीव हुई है आफ्टर पेशेंट हैज टेकन दी मेडिकेशन क्योंकि ब्लड में जो कंसट्रेशन है वो या तो टॉक्सिक लेवल पे जा सकती है या वो सब थेरेपिटिक लेवल पे आ सकती है या फिर वो थेरेपिटिक विंडो के अंदर हो सकती है ठीक है तो अगर वो एक्सीड आपने ज़्यादा डोज पेशेंट को दे दी है तो उसकी जो डाइक्सिन है उसमें ब्लड में उसकी कंसनट्रेशन टॉक्सिक लेवल पर जा सकती है तो

वेरिएट करता है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट करने की वजह से जो ड्रग की एफिकेसी है वो द हाफ लाइफ ऑफ इज प्रोलॉन्ग रीचिंग टू थे पर डे तो हाफ लाइफ पेशेंट की क्यों बढ़ जाती है क्योंकि ड्रग जो है वो रीनल फेलियर की वजह से किडनी से एलिमिनेट नहीं हो रही है ब्लड के अंदर उसकी जो अक्यूमलेशन होती जा रही है और कंस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और एक वक्त आएगा

आप हॉस्पिटल में पेशेंट को काउंसिल करना चाहते हैं तो काउंसलिंग पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस मेडिकेशन एग्जैक्टली आप पेशेंट को बताएं कि क्या जरूरत है कि वो ये मेडिकेशन जो है वो टाइमली ले और जैसे प्रिस्क्राइब है वैसी ले एडवाइस टू वॉच फॉर साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी घर भी क्योंकि पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा है उसके घर वाले अफरा तो सबको एजुकेट करें कि पेशेंट में अगर ये साइंस डेवलप हो तो उसका मतलब है कि पेशेंट टॉक्सिसिटी डेवलप कर रहा है और फॉरन डॉक्टर से रिज्यू करें एजुकेट ऑन द नीड ऑफ फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बी एबल टू रिकोगनाइज सिम्टम्स इन इमीजिएट फिजिशियन नोटिफिकेशन अच्छा ऐसी डिजीजेज जैसे डायबिटीज है मैं, उनके पेशेंट को सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि उनको पता हो कि किस सिचुएशन में उनको डॉक्टर्स के पास जाना लाजमी है कि उनकी हालत ये ना हो कि बहुत बिगड़ती जाए बिगड़ती जाए और एंड में जब बिल्कुल स्टेज पे पेट जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएं घर वालों को ये पता हो कि पेशेंट जो है वो अगर ये सिम्टम्स शो कर रहा है तो उसको फॉरन हॉस्पिटलाइज किया जाए एजुकेट अबाउट ड्रग्स सच एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड सेड्स विच मे कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ हार्ट फेलियर आपका ऐसा पेशेंट जो कि ड्रग्स

आई वुड रिकमेंड पहले जो है है। वो comprehensive pharmacy review को को करें। next lecture class हमारा होगा uh, uh, ulcers पे, I guess, को है। तो इस uh, uh, chapter से रिलेटेड कोई questions हो तो आप मुझे जरूर uh, call कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में इंफॉर्म करते हैं और uh, uh, अभी इसको आप लोग सेल्फ स्टडी करें मैं आप गाइडलाइंस भी सेंड करता हूँ एंड देन Thank you very much.